दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको दो रेमेडीज बता रहा हूं। एक तो ये समझ लीजिए कि इतनी चमत्कारिक है कि आपकी यदि लाइफ में दरिद्रता योग है या फिर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है गरीबी बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी परेशानी 100% सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा टोटका मैं बता रहा हूं। ये टोटका जो है ये वनस्पति शास्त्र का है जो कि आपको मनी मैग्नेट बना देगा। एक प्रयोग आपको जो बता रहा हूँ, टोटका बता रहा हूँ, अगर आपने 41 डेज इसको कर लिया, इस चीज की भस्म को यदि आपने अपने माथे में लगाना शुरू कर दिया, मनी मैग्नेट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ऑरा को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बॉडी का ऑरा यदि अगर नेगेटिव है तो मनी की एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होगी या कोई भी पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं, किसी भी दिन से स्टार्ट करें और 41 डेज कंटिन्यूअसली इस प्रयोग को करना है। प्रयोग करने के बाद में कुछ ही दिनों में इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा आपको। यहां पर आपको सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देसी कपूर यानी कि ओरिजिनल कपूर आपको लेना है, जिसे बोला जाता है भीमसेनी कपूर बरास। अगर केमिकल्स वाला कपूर यूज करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो ओरिजिनल कपूर आपको ले लेना है। साथ में आपको लेना है 5 लौंग फूल वाली अखंडित लौंग, और साथ में लेना है आपको थोड़ा सा गाय का घी। अगर पीतल का पात्र है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई मिट्टी का पात्र ले लें। स्टील वगैरह यूज ना करें, स्टील वगैरह की लोहे कटोरी यूज ना करें। और किसी भी दिन से शुरू करें, सुबह नहा धोकर के जब स्वच्छ हो जाते हैं तो आपके घर का जो मेन कमरा होगा उसके बीचों बीच आपको क्या रखना है, एक मिट्टी का दिया या पीतल का कोई भी पात्र रख देना है। उसमें आपको 4 पीस डाल देने हैं भीमसेनी कपूर के, ओरिजिनल कपूर के, कपूर को आपको जला देना है। उसके बाद में इसमें 5 अखंडित फूल वाली लौंग इसमें डाल देनी है, और उसके बाद में थोड़ा सा आधा चम्मच करीब देसी गाय का जो घी होता है ये इसमें डाल देना है। अब ये जलने लगता है तो इसको थोड़ा सा कमरे वगैरह में पूरे घर में घुमा दें और उठाकर इसको अपने पूजा स्थान में रख दें। और जब ये जल करके पूरी राख इसकी ठंडी हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसकी राख अपने माथे में लगानी है। 41 डेज अगर आपने इसको कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे चारों तरफ से बहाने मार मार के पैसा आएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, किया कराया है, टोना टोटका है, ऐसी किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज आपके ऊपर होंगी तो वो 100% आपके बॉडी से हट जाएंगी, आपके ऑरा क्लियर हो जाएगा और पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। ये टोटका आजमा करके देखिएगा। अब इसके अलावा दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, ये प्रयोग दोस्तों आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, आर्थिक संकट दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, दुर्भाग्य से छुटकारा के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई बड़ी तकलीफ है आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो उससे मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, और यदि कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को यदि काफी लोगों के साथ कमेंट्स आए थे कि सर अब्रॉड जाना है तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो विदेशी यात्रा चाहते हैं तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग इतना चमत्कारिक है, आपकी लाइफ में जो भी ऑप्टिकल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, सभी को दूर करने की ताकत रखता है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरी करने की ये प्रयोग जो बता रहा हूं वो ताकत रखता है। अगर आपने इसको आजमा लिया मेरे बताए तरीके से, रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रही है तो सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स जो है वो अनबैलेंस है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जब तक बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स है उनको बैलेंस नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल है, जरूरी नहीं है एक ही उपाय सभी को वर्क करे। अगर बर्थ चार्ट मैच होगा तो रिजल्ट आएगा।
बर्थ चार्ट मैच नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा, और बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं, और यदि अपने बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में, असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो दूसरे प्रयोग के लिए आपको किसी भी, देखिए, 1 तारीख के बाद जो भी शनिवार आता है, ठीक है, इस प्रयोग को 1 तारीख के बाद में जो भी शनिवार आएगा अगली 15 तारीख तक, तो शनिवार 1 तारीख के बाद के जो शनिवार है वहां से स्टार्ट करेंगे, अगली 15 तारीख तक जो भी शनिवार आएगा हर शनिवार को ये प्रयोग करना है। या इसके अलावा अमावस्या से स्टार्ट करेंगे तो अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करेंगे, और अमावस्या से अगली अमावस्या तक जितने शनिवार आएंगे उस तक ये प्रयोग करेंगे, और अमावस्या मतलब कि 2 अमावस्या के बीच में जो भी शनिवार आएगा उस दिन इस प्रयोग को करना है, और अमावस्या टू अमावस्या प्रयोग करना है, ठीक है। 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला शनिवार 15 तारीख तक आने वाले शनिवार तक इस प्रयोग को करना है। तो करना क्या है, आपको 1-2 मुट्ठी आटा ले लेना है, ठीक है, गेहूं का आटा, और गुड़ का पानी मिक्स करके इसका एक डो बना लेना है। जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं तो इसका छोटा सा पेड़ा जैसा आपको बना लेना है। 1 रुपए का आपको लेना है कॉइन, ठीक है, कॉइन को थोड़ा सा गंगा जल से, शुद्ध जल से साफ कर लें, और जब ये प्रयोग आप कर रहे होंगे तो अपनी इंटेंशन इसमें आपको डालने हैं कि किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो मन में इंटेंशन रखें अपार धन की प्राप्ति गरीबी दूर के लिए। कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो मन में इंटेंशन रखें कर्ज मुक्ति के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में रखें कि इस मनोकामना से पूर्ति के लिए। या फिर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ रहा है, तो उस परेशानी से मुक्ति के लिए मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, वो इंटेंशन आपको उस समय डालने हैं उसमें। तो जब आपने पहले क्या किया, गुड़ के पानी से आटे के डो आपने लगा लिया, ठीक है, अगर इसको आप चाहे सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को, शाम को भी, लेकिन सूर्य अस्त के बाद प्रयोग करेंगे शनिवार को, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपने आटे का डो लगाया, एक कॉइन आपने लिया, अब उसको आटे की जो आपने पेड़ा बनाया है उसको थोड़ा सा हाथ से रोटी जैसा गोल कर लें, ठीक है, पेड़े को। अब उसके बीचों बीच आपको एक सिक्का कॉइन रख देना है। अब इसको लेकर के आपको जाना है किसी भी दोराहे, तिराहे या चौराहे में। अगर दोराहे में करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तिराहे में करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, और चौराहे में तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा, चौराहा मिल जाता है तो और भी बेस्ट है। आपने बीच में कॉइन फंसा दिया उसके, इसको लेकर के आप गए, मन में इंटेंशन रखा मेरे को धन की प्राप्ति हो, कर्ज दूर हो, बीमारी शत्रु से मुक्ति मिले, दुर्भाग्य से छुटकारा मिले, ये इंटेंशन डालते हुए चौराहे में जब पहुंचेंगे तो इसको पूरा गोल करके सिक्का बीचों बीच हो जाना चाहिए, और उसका एक गोल पेड़ा जैसा बन, लड्डू जैसा बना देना है, और इसको चौराहे के बीचों बीच रख करके बिना पीछे पलटे घर आपको वापस आ जाना है। और घर आने से पहले, एंटर करने से पहले हाथ पैर वगैरह धो लें, बस ये क्रिया आपकी खत्म हो गई। 1 शनिवार से दूसरे शनिवार में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि 1 तारीख के शनिवार से शुरू करके 1 तारीख के बाद जो भी शनिवार आता है अगली 15 तारीख तक, तो वहां तक हर शनिवार को प्रयोग करना है। या फिर अमावस्या से शुरू करेंगे तो अमावस्या के दिन करेंगे, फिर जितने शनिवार आते हैं अगली अमावस्या तक वो शनिवार करेंगे, और अगली अमावस्या को उस प्रयोग को करना है। ये प्रयोग आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। एक बार में एक परेशानी से मुक्ति के लिए आपने प्रयोग किया, एक मनोकामना आपकी पूरी हो गई, एक परेशानी दूर हो गई, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाले में फिर आप शुरू कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है, मेरे काफी क्लाइंट्स ने ये प्रयोग किया है और उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी इस प्रयोग को ट्राई किया तो आप देखेंगे आपकी कर्ज और धन, आर्थिक संकट, गरीबी आपकी टोटल आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है इसका, रिजल्ट मतलब इसमें गारंटेड है कि रिजल्ट आता ही आता है, और पूरे विश्वास से करेंगे तो और भी चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। तो पूरे विश्वास से करिए, आत्मसमर्पण के साथ में। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, हमारे पास में नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, ग्रह कलेश होगा, मान हानि होगी, धन हानि होगी, बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे। राहु को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपने जग जीत लिया, अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 18 से 28 दिन की हमारे द्वारा विशेष पूजा की शाबर मंत्र से होती है। शनि राहु केतु यदि बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 28 से 41 दिन की विशेष पूजा शनि राहु केतु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए।
इसके अलावा यदि नौ ग्रहों को आपको बैलेंस करवाना है तो 41 डेज से 3 महीने की विशेष पूजा शावर मंत्र से होती है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज की रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 3 महीने में शावर मंत्र का विशेष अनुष्ठान है, गारंटी से आपके बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है। काफी लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर चाहते हैं, 3 महीने में आप देखेंगे गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होगी। मेरे काफी क्लाइंट्स ने शावर मंत्र की पूजा कराई है, 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी प्रकार की पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे क्लाइंट्स के मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जिस भी पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, शावर मंत्र तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, आज की जानकारी काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, या आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जब लोगों को लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।